Hello and good morning students. Welcome back in our online class. Today we have a new chapter. Class 8th subject English grammar, chapter number 15, and the title of the chapter is preposition. Student, as you can see on the board, यहाँ पर हमने definition लिखी हुई है कि preposition क्या चीज़ है. First of all, we would know what is the preposition, means where we can use of preposition and काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर प्रीपोजिशंस यूज होते हैं और इसके कितने प्रकार हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अ वर्ड दैट इज यूज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो द रिलेशन, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बीच में, मतलब उनके पहले लगता है वो रिलेशन शो करता है दैट द नाउन और प्रोनाउन हैज विद सम अदर वर्ड्स, मतलब किसी दूसरे शब्दों के साथ उनका क्या रिलेशन बन रहा है, ये प्रीपोजिशन के द्वारा हमें पता चलता है इन द सेंटेंस, जो भी हम सेंटेंस लिखेंगे. ओके, नाउ काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मेनली. फर्स्ट वन इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो टाइम के लिए यूज होता है, जैसे इन, ऑन, एट, दीज आर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. ठीक है, उसी तरह से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, वेयर, अवे, आउट, आउटसाइड, इनसाइड, दीज आर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. एंड प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, तो ये जो प्रीपोजिशंस हैं इनको हम किस तरह से यूज करते हैं, नाउ वी विल नो अबाउट ऑल दीज. स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं प्रीपोजिशंस के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर एक नज़र डालते हैं कि रिलेशन किन किन के बीच ये जनरेट करता है, जैसे कि टू नाउन्स के बीच में, जैसे बॉक्स एंड टेबल. तो इसके लिए सेंटेंस क्या बनेगा, पुट द बॉक्स ऑन द टेबल, जैसे पुट द बॉक्स ऑन द टेबल. अब यहाँ पे जो काम करेगा प्रीपोजिशन का वो करेगा ऑन. ठीक है, बॉक्स कहाँ रखना है, टेबल पर. तो इस तरह से ये दो नाउन है, बॉक्स भी नाउन है, टेबल भी नाउन है, तो इनके बीच में जो रिलेशन जनरेट कर रहा है वो है ऑन. ठीक है, उसी तरह से एडजेक्टिव और नाउन के बीच में किस तरह से रिलेशन जनरेट हो रहा है, साउथ अफ्रीका इज फेमस फॉर इट्स डायमंड. ठीक है, जो साउथ अफ्रीका है वो वहां के हीरों के लिए प्रसिद्ध है, तो यहां पर जो डायमंड और फेमस के बीच में रिलेशन जनरेट कर रहा है वो फोर कर रहा है, यानी साउथ अफ्रीका इज फेमस फोर इट्स डायमंड्स. ठीक है, ये अपने हीरों के लिए प्रसिद्ध है, तो एडजेक्टिव और नाउन के बीच में इस तरह से रिलेशन जनरेट हो रहा है. तो यहां पे जो रिलेशन जनरेट कर रहा है दैट इज द वर्ड फोर, और पहले वाले में बॉक्स और टेबल के बीच में जो, यानी बोथ ऑफ नाउन के बीच में जो रिलेशन जनरेट कर रहा है दैट इज ऑन. ठीक है, अब लास्ट में देखो वर्ब एंड नाउन के बीच में किस तरह से, यानी वर्ब क्रिया और संज्ञा के बीच में किस तरह से रिलेशन जनरेट हो रहा है, द किंग रूल्स ओवर अ वास्ट किंगडम, द किंग रूल्स ओवर अ वास्ट किंगडम, यानी जो राजा है वो राज करता है किसी राज्य के ऊपर. तो रूल्स जो है वो वर्ब है और किंगडम इज नाउन. तो यहां पर इस तरह से अब यहां पर जो इनके बीच में रिलेशन जनरेट कर रहा है दैट इज द वर्ड ओवर. ठीक है, यहां पर ओवर रिलेशन जनरेट कर रहा है वर्ब और नाउन के बीच में. नाउ अब हम पता करेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हम किस तरह से यूज कर सकते हैं. So student, as you can see on the board, we have now preposition of time. Or preposition of time, what are they? In, on, at. You can use these preposition as well as in preposition of place. मतलब इनको आप जो है, जैसे आप preposition of time में use कर रहे हैं, वैसे ही आप इनको preposition of प्लेस में भी यूज कर सकते हैं, इन, ऑन, एट, बट उसकी कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होंगी. सो लेट्स सी हाउ कैन वी यूज दिस प्रीपोजिशन.
प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, द प्रीपोजिशंस एट ऑन इन कैन बी यूज टू इंडिकेट टाइम, मतलब ये टाइम को शो करने के लिए वी कैन यूज ऑल दी ऑल थ्री प्रीपोजिशंस. सपोज प्लीज मीट मी एट 8 o'clock, यानी मुझे आप, अब एट का यूज हम कैसे कर सकते हैं, प्लीज मीट मी एट 8 o'clock, तो ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है एट, यानी ये हमारा प्रीपोजिशन है. इसको हमने किस तरह से यूज करना है टाइम के लिए, प्लीज मीट मी एट 8 o'clock, यानी 8 की जगह हो सकता है आप 3 बोलो, 5 बोलो, 6 बोलो, डजेंट मैटर, लेकिन इस तरह से हम इसको. अब इसमें दूसरी चीज क्या है कि इसमें एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम, इसलिए हम यहां पे एट का यूज करेंगे. अगर कहीं पे यू आर टेलिंग टू समवन एग्जैक्ट टाइम, देन यू विल यूज एट बिफोर बिफोर टाइम, मतलब टाइम को इंडिकेट करने से पहले आप प्रीपोजिशन एट को यूज करेंगे. सेकेंड वन इज, अब बात करते हैं, द सिटी म्यूजियम इज क्लोज्ड ऑन संडे, द सिटी म्यूजियम इज क्लोज्ड ऑन संडे. अब इसमें क्या है, प्रीपोजिशन आप देख सकते हैं, इसमें हमने प्रीपोजिशन जो यूज करा है वो है ऑन, बट इसमें क्या है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है बट एग्जैक्ट डे है, बट डे इज नॉट प्रॉपर, क्योंकि संडे जो है, संडे आता रहता है, इट इज फ्रीक्वेंसी में आता रहता है, जैसे हमने अभी पहले जो पढ़ा हुआ था कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, वहाँ पे हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन में ये पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है, तो संडे भी फ्रीक्वेंटली आता रहता है, मतलब एक के बाद दूसरे के बाद 6 दिन बाद जो है कंटिन्यूसली आता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन से संडे को, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑन का यूज़ किया. ठीक है, द सिटी म्यूजियम इज क्लोज ऑन संडे, क्योंकि ये डे को इंडिकेट कर रहा है. ठीक है, इसलिए हम इसके साथ ऑन का यूज करेंगे. ठीक है, अगर एग्जैक्ट टाइम का यूज करना है तो एट का यूज करेंगे, और अगर डे को इंडिकेट करना है तो ऑन का यूज करेंगे. नाउ अब तीसरा जो इन है उसको कैसे यूज करेंगे, जॉन्स बर्थडे इज ऑन द ईयर दुर्गा पूजा फॉल्स इन सेप्टेंबर, द ईयर, सॉरी, दिस ईयर दुर्गा पूजा फॉल्स इन सेप्टेंबर. तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे हमने इन का यूज करा, क्यों करा, क्योंकि एग्जैक्ट ना तो कोई टाइम है ना ही डे है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर इन, क्योंकि इन अब सितंबर में कब आता है दैट इज नॉट गिवन, मतलब सितंबर में कितनी तारीख से कितनी तारीख तक है, इसलिए हम यहां पे इन का यूज करेंगे, क्योंकि विद इन मंथ यानी महीने के बीच में है बट नॉट एग्जैक्ट. ठीक है, इसलिए हम यहां पर इन का यूज करेंगे. तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. ठीक है, इनको हम इस तरह से यूज कर सकते हैं. टाइम कैन बी इंडिकेट बाय अ फ्यू अदर प्रीपोजिशन एज वेल, फॉर एग्जांपल, अब टाइम को किस तरह से आप दूसरे जो वर्ड्स हैं यानी प्रीपोजिशंस हैं वो किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, जैसे आफ्टर, विद इन, बिफोर और टिल, ये सारे जो प्रीपोजिशन है ये भी टाइम के प्रीपोजिशन है. जैसे कि आफ्टर हिज डिपार्चर, मतलब अलग होना, आफ्टर मतलब उसके डिपार्चर, कोई टाइम रहा होगा जब वो अलग हुए तो उसके बाद, यानी आफ्टर हिज डिपार्चर. दूसरा इसमें विद इन अ मंथ,
किसी महीने के बीच में, विद इन, मतलब वो भी एक टाइम पीरियड है, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे विद इन यानी महीने के बीच में कभी भी कुछ किया गया या किया जा सकता है। अराइव्ड बिफोर हिम, उनसे उससे पहले पहुँच गए, यानी जब वो पहुंचे तो कोई टाइम एग्जैक्ट हो रहा था उस टाइम, लेकिन उससे पहले, ये एग्जैक्ट प्रीपोजिशन, मतलब एग्जैक्ट प्रीपोजिशन ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे अराइव्ड बिफोर हिम यानी उनसे पहले पहुंच गए, टिल द इवनिंग यानी शाम तक। अब शाम कोई एग्जैक्ट नहीं है कि कहाँ पे शाम आके रुकेगी, मतलब 3-4 बजे से आप बोल सकते हैं 6-7 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसके बीच में टिल का यूज करेंगे, जैसे टिल द इवनिंग यानी शाम तक, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा होगा, और भी इसके सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे बाय, फ्रॉम, सिंस, फॉर, ये सारे हैं, इनका अलग अलग यूज है, ठीक है। बाय 3 o'clock, फ्रॉम 1 January, सिंस संडे, फॉर 10 years, तो इनका यूज हम अलग अलग कर सकते हैं, ये आप प्रैक्टिस करें घर पे, ठीक है। अब हमारे पास है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। स्टूडेंट्स लुक एट द बोर्ड। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, बिफोर दिस वी यूज्ड दीज प्रीपोजिशंस एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तो अब हम इन्हीं प्रीपोजिशंस को प्लेस की जगह, प्लेस के लिए यूज करेंगे। कि तो किस तरह से करेंगे, यू कैन सी द कपबोर्ड इज इन माई रूम, द कप बोर्ड इज इन माई रूम। अब ये जो प्रीपोजिशन आपने यूज करा, दिस इज एनक्लोज्ड स्पेस, एनक्लोज्ड स्पेस, मतलब कोई ऐसी जगह जो बंद की गई हो, तो यहां पे इन जो प्रीपोजिशन है वो यूज हो रहा है किसी जगह के लिए, मतलब कमरे में, तो कमरे में यानी किसी जगह पर। कप, द कपबोर्ड इज इन माई रूम, जो अलमारी मेरे कमरे में है, ठीक है। तो इनका यूज हम कर रहे हैं अभी प्लेस के लिए, जैसे इनक्लोज्ड स्पेस यानी कोई ऐसी जगह जो पहले से बंद की गई हो, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका यूज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। द कपबोर्ड इज इन माई रूम, एनक्लोज स्पेस, एनक्लोज स्पेस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो कमरा जो होगा वो बंद होगा, ठीक है। नंबर टू, मिस्टर सिन्हा लिव्स इन कैनेडा, मिस्टर सिन्हा लिव्स इन कैनेडा। अब ये देखो ये क्या शो कर रहा है, टू शो प्रीपोजिशन विद इन लैंड एरिया यानी लैंड लैंड एरिया, अब कनाडा कोई छोटी जगह तो है नहीं, बिकॉज कनाडा इज अ कंट्री, तो वो भी एक स्थान के रूप में यूज हो सकता है यहां पे। तो यहां पे आप देख सकते हैं फिर से हमने इसका यूज किया, मिस्टर सिन्हा लिव्स इन कैनेडा, तो इसके आगे मैंने ये शो करने के लिए लिखा है कि हमने इन का यूज किया है और कैनेडा के आगे यानी नाउन के आगे प्रीपोजिशन का यूज किया है, तो किस तरह से किया है, क्योंकि कैनेडा इज अ कंट्री, दैट्स वाई वी कैन कॉल दैट लैंड एरिया, मतलब कोई जगह का नाम, ठीक है। अब बात करते हैं, आई प्लेस्ड माई बैग ऑन द टेबल, आई placed my bag on the table। अब यहां पे आप देख रहे होंगे I placed my bag on the table, on का use हुआ है, ये भी preposition of time है, लेकिन यहां पे हम preposition of place में इसका use कर रहे हैं। तो यहां पे आप vertically या हॉरिजॉन्टली कोई चीज रख रहे हैं, या तो खड़े में रख रहे हैं या फिर सपाट में रख रहे हैं, लेकिन रख किसी जगह पे ही रहे हैं यानी टेबल पे रख रहे हैं, या तो आपने खड़ा रखा या उसको लिटा के रखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं,
प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, क्योंकि ऑन का यूज हुआ है टेबल के लिए, और टेबल जो है एक सरफेस है, उस पर सामान रखा गया है, तो वो कोई जगह बन गई है, दैट्स वाई. ठीक है. नंबर थ्री, आई लिव्ड एट 56 MG रोड. आई लिव्ड एट 56 MG रोड. अब यहां पे देखो, ये स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज हुआ है एट. हमेशा याद रखना, अगर आप एट का यूज कर रहे हैं तो एट जो है पर्टिकुलर किसी जगह के लिए यूज होता है. जैसे नाउ आई एम एट ऋषिराम स्कूल, या फिर नाउ आई एम एट बस स्टॉप, नाउ आई एम एट रेलवे स्टेशन, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह के लिए. अब जरूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर जगह कोई छोटी सी जगह हो, मतलब एरिया जितना काउंट होता है बस स्टॉप में, जितना एरिया काउंट होता है, आप किसी भी जगह पे वहाँ पे खड़े हैं तो आप यही कहेंगे आई एम एट बस स्टॉप, मतलब बस स्टॉप में आपको कोई भी ढूंढ सकता है, आप किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में बता रहे हैं, दैट्स वाई. एम जी रोड, अब महात्मा गांधी जो रोड होगी वो कोई पर्टिकुलर रोड का नाम होगा, दैट्स वाई वी कैन यूज एट एज प्रीपोजिशन इन दिस सेंटेंस. ठीक है. और दूसरा इसमें, समवन इज एट द डोर स्टेप. डोर स्टेप यानी दरवाजे पर कोई खड़ा है. ठीक है. ये भी स्पेसिफिक प्लेस और पोजिशन है, दैट्स वाई वी कैन यूज एट एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हियर. समवन इज एट द डोर स्टॉप. डोर स्टेप यानी दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो पर्टिकुलर कोई अंदर से कह रहा है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है. ठीक है. दैट्स वाई वी कैन से दरवाजा, मतलब डोर इज पर्टिकुलर प्लेस और स्पेसिफिक प्लेस. ठीक है. जहां हम इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई वहां पर खड़ा है. ठीक है. प्लेस कैन बी इंडिकेट बाय अ फ्यू अदर प्रीपोजिशन एज वेल. फॉर एग्जाम्पल, स्टूड बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे. ठीक है. खड़े हो जाओ. ले अंडर द टेबल, यानी ये सारी जगह का नाम बताया जा रहा है, उसके बाद जो है उसके नीचे जो भी हो रहा है उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है. ले अंडर द टेबल यानी टेबल के नीचे लेट जाओ. अबव द सेल्फ, सेल्फ यानी कोई ऐसी जगह जो कि वर्टिकली रखी हुई हो, उसके नीचे. ठीक है. विद इन द क्लासरूम यानी कक्षा के बीच में. अब जरूरी नहीं कि कक्षा के बीच में वो कहाँ पे है. ठीक है. स्टैंड बाय माई साइड, मेरी तरफ से खड़े हो जाओ. ठीक है. लाइज बिलो द सरफेस यानी सरफेस के नीचे कुछ रखा हुआ या लेट जाना. ठीक है. लाइज नियर द पोर्ट यानी उसके किनारे. लाइज मतलब लाइज का मीनिंग होता है वैसे लेटना होता है, लेकिन लाइज का मीनिंग होता है उसके साथ साथ भी. ठीक है. फेल इंटू अ लार्ज क्रेटर, फेल इंटू अ लार्ज क्रेटर. ठीक है. कहीं पे गिर जाना. इंटू अ, इंटू जो है यहाँ पे इंटू का यूज हम तब करते हैं कोई चीज अगर किसी चीज के अंदर मतलब मूवमेंट में हो. तब केम फ्रॉम न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से आए. यहाँ पे फ्रॉम जो यूज हो रहा है वो किसी स्थान से आने के लिए यूज हो रहा है, दैट्स वाई वी कैन से दिस इज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. स्टूड बिसाइड मी, मेरे बगल में खड़े हो जाओ. ठीक है. यानी यह खड़ा है. स्टूड बिसाइड मी, बिसाइड मीन्स मेरे बगल में. ठीक है. बगल मीन्स होता है बिसाइड. तो गाइज अब कुछ और प्रीपोजिशन है टू इंडिकेट काउज रीजन और पर्पज. वी यूज प्रीपोजिशन सच एज ऑफ एंड फॉर, दस वी से. अब देखो कई बार क्या होता है कि हम गलती कर देते हैं, जैसे कि अगर हम कहें कि ही डाइड फ्रॉम कैंसर, तो फ्रॉम इज नॉट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन हियर. हियर कैन यूज ऑफ, डाइड ऑफ कैंसर यानी कैंसर की वजह से मर गए. ठीक है. दूसरा फॉर आर गुड, हमारे अच्छे के लिए. हम ये नहीं कह सकते यहां पे टू आवर गुड, मतलब के लिए. ये भी सेम यूज हो रहा है लेकिन ऐसा नहीं, जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन है वी कैन यूज दैट इज ओके. एंड टुक मेडिसिन फॉर फीवर यानी बुखार के लिए दवाई लो. हम अक्सर गलती क्या करते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज ढंग से नहीं होने की वजह से वो सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देते हैं. ठीक है. अक्सर क्या बोलते हैं, टुक मेडिसिन ऑफ फीवर यानी बुखार की दवाई लो. बुखार की दवाई मतलब बुखार को और बढ़ाने की दवाई लो. बुखार के लिए दवाई यानी बुखार के को मारने के लिए दवाई लो. ठीक है. इस तरह से हम टू इंडिकेट
source or origin we use preposition such as from, thus we say from gratitude and comes from paradise. मतलब अगर हम बात करते हैं कि where is the origin place of river Ganga, तो river Ganga का तो जो origin place है वो है देवप्रयाग, ठीक है. बट अगर हम कहें कि where is the origin place of river Bhagirathi, तो हम कहेंगे कि origin place of Bhagirathi is Gomukh, यानी river Bhagirathi comes from गौमुख. तो यहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं. तो ऑरिजिन के लिए हमेशा आपने फ्रॉम का ही यूज़ करना चाहिए, ठीक है. सो गाइज, अभी आपका जो ये चैप्टर है यहीं पे रोक देते हैं. नेक्स्ट डे वी विल प्रेजेंट न्यू वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.